नमस्कार दर्शकों, मैं हरीश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पांच ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जो मिथुन राशि पर शत प्रतिशत सत्य साबित होने वाली है। जो हम आपको समय बताएंगे जून से लेकर के दिसंबर तक का, उस समय पर यदि उस ग्रह से संबंधित यदि कोई भी काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर की जो भविष्यवाणी है वो सूर्य से संबंधित है। सूर्य 17 अगस्त से सिंह राशि में 17 सितंबर तक रहने वाले हैं, आपके तीसरे भाव में। यदि आप मिथुन राशि के हैं तो मिथुन राशि से तीसरे भाव में सूर्य गोचर करने वाले हैं 17 अगस्त से 17 सितंबर तक, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य जो है सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है उन लोगों के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव जो होता है ये छोटे भाई बहनों का होता है, बल पराक्रम का होता है, साहस का होता है, संघर्ष का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो भाई बहनों से संबंध भी बढ़िया रहेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम भी सूर्य करेंगे और कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता देने का काम करेंगे। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए सूर्य बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यदि आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे और सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। पिता के संबंध जो है वो आपके मधुर रहने वाले हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार है और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए यदि आप काम करते हो तो जरूर आपको सफलता देखने को मिलेगी। चाहे आप प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयासरत करो, चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहो, दोनों में ही आपको सफलता देने का काम सूर्य करने वाले हैं। दूसरे नंबर की जो भविष्यवाणी है वो मंगल से संबंधित है। मंगल जो है 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल का गोचर सूर्य के अनुसार ही फल देने का काम करता है। जैसे सूर्य तीसरे भाव में अच्छे फल देते हैं वैसे भी मंगल भी तीसरे भाव में अच्छे फल देते हैं। सूर्य छठे भाव में अच्छे फल देते हैं तो मंगल भी छठे भाव में अच्छे फल देते हैं और एकादश भाव में सूर्य और मंगल दोनों ही अच्छे फल देने का काम करते हैं। तो मंगल भी जो है छठे भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल आपके लाभ के मालिक है। एक राशि लाभ भाव में है तो मंगल लाभ के भी मालिक है और छठे भाव के भी मालिक है। तो मंगल अपनी ही राशि में वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कर्जे को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में जबरदस्त सफलता देने का काम करेंगे, मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा, कोर्ट कचहरी में कोई यदि मामला चल रहा है तो वो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। वही यदि आप नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, दोनों में ही जबरदस्त सफलता देने का काम मंगल करने वाले हैं नवंबर से दिसंबर के बीच। और लाभ भाव के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। इनकी चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव में होने से भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और विदेश की यात्राओं के भी योग बनने वाले हैं क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी तो विदेश के भी योग बनने वाले हैं। वही आपकी राशि पर भी मंगल की दृष्टि रहेगी, इस कारण से हर क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता देखने को मिल सकती है। तो मंगल का समय जो है ये 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का रहेगा, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तीसरे नंबर की जो भविष्यवाणी है वो बुध से संबंधित है और आपकी जो राशि का स्वामी है वो भी बुध है। बुध जो है आपकी राशि पर जो है गोचर करने वाले हैं कब से, 24 जून से 8 जुलाई तक। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, भद्र नामक राजयोग। इस राजयोग का फल आपको मिलने वाला है 24 जून से
8 जुलाई तक जबरदस्त समय ये रहने वाला है। बुध व्यापार का कारक माना जाता है, यदि आप व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार है, या नया व्यापार करना चाहते हैं तो इस समय पर आप करिए, जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी। नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए तो है ही है, साथ ही साथ बुध आपके जो है चौथे भाव के मालिक है, तो भूमि से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो, साथ ही साथ वाहन खरीद सकते हो, तो इन सभी क्षेत्रों पर बुध का जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। वही बुध जब आपके राशि पर गोचर करेंगे, अपनी राशि पर गोचर करेंगे, तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो दैनिक काल में वृद्धि करने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, विवाह का योग बनाने का काम जो है करने वाले हैं। तो बुध आपके लिए बहुत अच्छे हैं, राजयोग भी रहेंगे तो यह समान सम्मान देंगे, धन देंगे और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है 24 जून से 8 जुलाई तक। तो ये समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, यदि इनसे संबंधित यदि कोई काम करना चाहते हो तो इस समय पर आपको काम करना है। इसके बाद यदि हम चौथे नंबर की भविष्यवाणी के बारे में बात करें, जो कि शुक्र से संबंधित है, शुक्र जो है 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक ये तुला राशि में पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं, और पंचम भाव में शुक्र का गोचर बहुत ही शानदार रहता है, क्योंकि ये मूल त्रिकोण का भाव है और अपनी राशि स्वयं की राशि तुला राशि में शुक्र गोचर करने वाले हैं नवंबर से दिसंबर तक। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है ये भोग विलास के कारक माने जाते हैं, लग्जरियस लाइफ के कारक माने जाते हैं। यदि आप शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह से जुड़े हुए काम करते हैं तो जबरदस्त सफलता देखने को मिल सकती है। शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनसे जुड़े हुए भी लाभ आपको देने का काम शुक्र करने वाले हैं। शुक्र विदेश की यात्राएं भी करवाने का काम करेंगे, यदि आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह, प्रेम विवाह में भी जबरदस्त सफलता देने का काम करने वाले हैं। तो ये समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, यदि आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय पर यदि आप करेंगे तो विशेष लाभ आपको देखने को मिल सकता है, तो ये समय आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो पांचवें नंबर की भविष्यवाणी है वो है शनि से संबंधित। शनि जो है आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार है और जून से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, हालांकि ये वक्री भी रहेंगे बीच में तो भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि स्वयं की राशि कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो है आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो शनि आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि जून से दिसंबर तक पूरे महीने आपको लाभ देने का काम करेंगे। वही राहु की यदि बात करें तो राहु लाभ भाव में विराजमान है, ये भी आपको लाभ देने का काम करेंगे और ये अक्टूबर तक आपको लाभ देंगे, उसके बाद जब ये आपके दशम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे तो ये भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए ये समय बहुत ही शानदार है और इस समय पर यदि कोई भी काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।